बिल्कुल नहीं रुकी और उसकी किक पे। साजिद नाडियाडवाला ने बहुत पहले अपनी फिल्म किक के सीक्वल किक 2 को लेकर अनाउंस किया था और अब खबर है कि इस फिल्म की शूटिंग अगले साल 2025 में शुरू होने जा रही है। इसी फिल्म के जरिए साजिद नाडियाडवाला ने डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा। 2014 में आई इस पहली फिल्म किक को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। अब कहा जा रहा है कि किक 2 में मेकर्स डेविल यानी देवीलाल सिंह की कहानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। अब करीब एक दशक बाद ऐसा लग रहा है कि सलमान खान को फैंस जल्द ही डेविल के रूप में एक बार फिर से देख पाएंगे। हालांकि इस फिल्म को लेकर अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। साजिद इस फिल्म को लेकर पहले ही बता चुके हैं कि ये फिल्म ऑन पेपर है और इसे लेकर काम चल रहा है। बता दें कि इस वक्त सलमान खान रश्मिका मंदाना के साथ अपनी फिल्म सिकंदर की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस पर अगले साल यानी 2025 को रिलीज होनी है। बताया जा रहा है कि ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें सलमान बेहद दमदार रोल में दिखने वाले हैं। 2014 में रिलीज हुई फिल्म किक की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रणदीप हुड्डा भी दमदार रोल में दिखे थे। वहीं जैकलिन फर्नांडिस सलमान खान के अपोजिट लोगों को काफी पसंद आई थी। तो आप सभी लोगों को किक 2 मूवी का कितना ज्यादा इंतजार है अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।